कहीं रिस्पेक्ट मिले या ना मिले, लेकिन गुरुद्वारे में राइट नाउ वी आर गोइंग नियर इंडिया गेट, देखते हैं वहां पे क्या है। तो इंडिया गेट जाने के लिए सीधा जाना पड़ेगा। ये दिल्ली की सड़कें कितनी खाली खाली सी, वो जब ग्रीन हो जाएगी तो फिर मैं चलना शुरू करूँगा। हो चुकी है ऑलमोस्ट ग्रीन। सफदरजंग रोड में ही जा रहा हूँ, बताना कि दिल्ली की सड़कें आमतौर पे यहाँ पे नेताओं का घर होता है। ये वार मेमोरियल हॉल है और मेरे पीछे वो इंडिया गेट वाली सर्कल है जो आप देख पा रहे हो, वो फिलहाल टेम्पोरली क्लोज है। सो लुक, आप पीछे देख सकते हो, फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से ये पूरी तरह से बंद है। और बंद होने के बाद क्या करें, अब आपकी गाड़ियाँ यहाँ पे कितनी तेज चल रही हैं कि कोई आवाज़ नहीं आ रहा होगा। भटकते हम आ चुके हैं यहाँ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडल आर्ट। यहाँ पे मास्क हटाना सख्त मना है। पीछे जो इंडिया गेट की सर्कल है, इंडिया गेट वार मेमोरियल सब कुछ बंद है। यहाँ पे ये स्टैचू बनी हुई है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है। सर खुला नहीं है, खुलेगा नहीं, कब तक खुलेगा कोई पता नहीं। ऑलमोस्ट दिल्ली में भी सारे टूरिस्ट प्लेस क्लोज है। God, I swear by God, I only bow to Allah, Tara, I follow. Her melody is no meaning, it was angelic dialect. I had to blow my way in, I hate to be violent. I kept on calling God, but I felt like he's silent. Wrote my story to the stars, who wanna put me on silence. My story way vibrant, I'm gone. Hold me when I'm falling, niggas want it on me, want it, turn it on me. Stone up, now I'm thorny, I got a lot of fake ones. I just want it bailout, niggas mug it raw, ho. I no time to mix up. तो गाइज, हम आ चुके हैं संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं उनके घर। ये संजय सिंह का रोड है और ये उनका घर है। कि वो आज संजय सिंह चले गए हैं उत्तर प्रदेश में। उस तरफ एमपी फ्लैट है, ये जितने एमपी फ्लैट दिख रहे हैं ना, ये सारे एमपी फ्लैट हैं। ये मुगल गार्डन इस तरफ है और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट टर्मिनल इस तरफ है। ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का एक गुरुद्वारा है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। ये संसद भवन, राष्ट्रपति भवन का परिसर है, इसके अंदर कोई आम आदमी को गाड़ी चलाना मना। और सब कुछ पंजाबी में लिखा हुआ है, सो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ पे आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा चर्च भी है। जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे जो पानी पिया जाता है वो कटोरे में पिया जाता है, इस तरह से कटोरे में पानी पी जाता है ना। बहुत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे पानी पीने का स्थान है, पानी पी सकते हो। आमतौर पे टूरिस्ट यहाँ नहीं आते, लेकिन जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं वो तो यहाँ पे आते हैं, पानी पीते हैं और पानी पी के जाते हैं। पर आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी दिल्ली आओ तो ये गुरुद्वारे में ज़रूर आओ, आपका बहुत अच्छे से स्वागत होगा। क्योंकि मैंने देखा कि मुझे कहीं रिस्पेक्ट मिले या ना मिले, लेकिन गुरुद्वारे में रिस्पेक्ट जरूर है और मिलना भी चाहिए। गुरुद्वारा रकीब गुरु नानक साहिब, यहाँ पे आपको लंगर मिल सकता है, खाना यहाँ खा सकते हैं इसमें बैठ कर। जितने भी यहाँ पे भक्त आते हैं सबको यहाँ पे लंगर खिलाया जाता है, इस
जो भी आपके सामान हैं, लगेज है, वो आप यहाँ पे जमा कर सकते हो। और ये दिस इज़ ब्यूटीफुल, अमेजिंग। मैं तो मुतासिर हो गया यार इसको देखकर। हाँ, इनके अंदर फिजिकली हैंडीकैप भी जा सकते हैं अगर उनके पास व्हीलचेयर है, या आपके पास अगर व्हीलचेयर नहीं है, जो लोग कमज़ोर है चलने में, तो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए एक रैप बनी हुई है। एज यू कैन सी, ये देखिए ये वाली रैप, और कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, क्या मतलब कमी रह गई है। वहाँ पे आप सो सकते थे उस वाले भवन में। ये है लंगर हॉल, यहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो। सब्सक्राइबर को बताओ, आप बताओ ना, तुम बताओ, तुम यहाँ कब से रह रही हो, कब से पढ़ाई कर रही हो? मुझे पता नहीं है, पर मैं छोटी सी हूँ। क्या पढ़ना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। अच्छा, पुलिस बन के क्या करेगी, किसको मारेगी, चोर को या बदमाश को? चोर को मारेगी? हाँ, चोर को पकड़ कर जेल में डालूंगी। उसके बाद अगर पुलिस चोर तुम्हें पैसे दे दे, घूस दे दे पैसे तुम्हें, 500-1000 दे दे, तो फिर तुम उसको छोड़ दोगी? नहीं छोड़ोगी। वे देश में जाकर चोरी करेगा। अच्छा, चोरी करेगा। तो गाइस, ये एक छोटी सी बच्ची है जो पुलिस बनना चाहती है।